का भी पढ़ाना है जो कॉम्प्लेक्स के टॉपिक है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स के टॉपिक आप तभी मतलब अच्छे ढंग से समझ पाएंगे जब बेसिक होगा। तो अगर कच्छ में पहले से रहा है तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए आज तो हम आपको वही बेसिक में थोड़ा सा बताएंगे, फिर उसके आगे उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ना है, और वो जितना सिलेबस है उसमें हमें फोर्थ लेक्चर में कराना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम लोग हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दैट इज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट, जैसे कि आपने रियल फंक्शन के लिए पढ़ा है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफिजिबिलिटी, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहला तो ये हम पूछना चाहेंगे कि लिमिट में क्या डिफरेंस होता है इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सर ये पाथ पे डिपेंड कर जाएगी कि क्योंकि एक्स और वाई टू फंक्शंस में चलेगा, तो हमारी पाथ में डिपेंड कर सकती है कॉम्प्लेक्स के केस में। और कोई बताएगा व्हाट इज डिफरेंस इन केस ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। इन रियल वेरिएबल मतलब आप सबने सुना ही है कि लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, चूंकि रियल नंबर लाइन पे होता है, तो लाइन पे मूवमेंट जो होगा इधर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज ए पॉइंट इन ए प्लेन, तो वो पॉइंट प्लेन में होता है, और प्लेन में जब हम मूव करते हैं तो फिर वहां लेफ्ट एंड राइट हैंड का मतलब नहीं है। सपोज यू हैव कंसीडर लिमिट ऑफ एफ जेड एट जेड टेंड्स टू जेड पॉइंट, अंडरस्टूड। सो देयर इज अ पॉइंट जेड एंड जेड नॉट एंड जेड, दीज आर पॉइंट नेमिंग पॉइंट ऑफ बिलीव। सो लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉन्सेप्ट नहीं है यहां, डिफरेंट पास किससे है डिफरेंट पाथ, ठीक है। ए वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फ्रॉम विच जेड टेंड्स टू जेड नॉट, ओके, देन वी कॉल लिमिट एग्जिस्ट। क्या कहते हैं मतलब इसमें क्या डिफरेंस है। पहला किया स्टार्टिंग यही होता है, रियल में तो हम लोग लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, देन वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट, क्यों भाई ऐसा ही कहते हैं ना। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कब कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, जब कम से कम दो पाथ के अलोंग निकालते हैं और सेम वैल्यू आती है, ठीक है ना, तब हम क्या कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। पहला नहीं आपका वो गेम रहना चाहिए माइंड में। इसके बाद फिर हम लोग डिफिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं, इतना तो रियल में भी पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स में, लेकिन कॉम्प्लेक्स में फिर और एडवांस करेक्टर्स आ जाते हैं फंक्शन पे, जैसे आपका एनालिटिकल फंक्शन, दैट इज एनालिसिटी ऑफ फंक्शन। तो कौन डिफाइन करेगा एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि जितना भी है सब तो उसके आगे का, ये सब बेसिक है, एनालिटिक फंक्शन तक तो बहुत बेसिक है। क्यों भाई और कोई मतलब आप समझते हैं एनालिटिक फंक्शन, इस समय बैठे हैं आपके मतलब माइंड में है कॉन्सेप्ट, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे रिलेटेड तब होता है उस पॉइंट पे उसके नेबर और में डिफरेंशिएबल हो, हां उस पॉइंट पर और उसके नेबरिंग पॉइंट, ठीक है। डिफरेंशिएबल का मतलब तो एट ए पॉइंट हो गया, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जेड नॉट जैसे पॉइंट ले लिया आपने और Z9, Z0 पर डिफरेंशिएबल है और इसके नेबरिंग पॉइंट पे, ठीक है, तो देन इट इज कॉल्ड, हाँ। और जैसा इन्होंने कहा मैथमेटिकल वर्ड्स में जब यूज करेंगे तो वही कहा जाएगा कि ये तो समझने के लिए केवल है, लेकिन जब मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ Z0, जो सिंपली कनेक्टेड विजन बताया हमने वो वही है सेम थिंग, there and neighborhood of z dot is represented by this less than delta or epsilon, मतलब very small radius, और इन geometry में क्या represent करता है, not z minus
ओपन सर्किल होगा, तो ये नेवर, और इस नेवर मतलब इस नेवर में हर पॉइंट पर वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन आपका एनालिटिक है, ठीक है। केवल पॉइंट पे ही डिफरेंशिएबल है और नेबरिंग पॉइंट पर नहीं डिफरेंशिएबल है तो विच इज नॉट एनालिटिक है, ओके। व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक, कॉजी डिमांड, एंड व्हाट इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक, तभी फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्यों भाई बोलिए। तो सफिशियंट कंडीशन क्या, आप सही बता रहे थे और सही कोशिश करिए, थोड़ा सा बता रहे थे कुछ अगर
the analytic function, then U and B both are harmonic. Okay? And next, if fz equal to U plus IVV analytic function, then UV क्या है? Function of x, y. तो जो function of x, y होगा, ठीक है? और उसको अगर हम constant के equal लिख देंगे, U x, y equal to c1 and V x, y equal to c2, okay? So now these represent curve, equation of curve, okay? So if fz equal to U plus IVV analytic function, then U equal to constant and V equal to constant are orthogonal curves. कैसे कर? Orthogonal. Okay? Orthogonal curve means? M1 into that is intersect at right angle. Orthogonal means intersect at right angle. Okay? So, intersect at right angle. If fz equal to u plus iv be analytic function of constant modulus. Fz equal to u plus iv is of constant modulus. Constant modulus, the mod fz, mod fz is constant, yeah. It means mod fz, वैसे तो define करेंगे तो it will be u square plus v square constant, but squaring so we finally can say u square v square is constant. Then function will be constant. Fz equal to u plus iv be analytic function of constant modulus. Okay? Then function is constant. और बल्कि इतना ही नहीं है, उसके particular cases भी है कि अगर real part भी constant, तो भी constant होगा. Imaginary है, तो भी constant होगा. ठीक है ना? ये भी analytic है. Understood? अगर function analytic है, उसका एक part भी अगर constant है, तो then function will be कांस्टेंट. ठीक है? तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, मतलब हमें आना चाहिए, अच्छे ढंग से आना चाहिए, जिससे कि हम उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो अच्छे ढंग से सीख सके, समझ सके. और उनकी बहुत जो है ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल मतलब छोटी लगती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. जब यूज होता है डायरेक्ट कहीं पर, तब हमें समझ में आ जाना चाहिए. तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए. ठीक है ना? इसके बाद मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसको थोड़ा अच्छे ढंग से रिवाइज करना होगा, फिर मतलब अच्छा लगेगा, समझ में भी चीजें आएंगी और वो चाहिए भी, टेबल भी चाहिए रिसर्च के लिए. और वहां से आइडियाज बनेंगे, जब आप जितना सीख पाएंगे वहीं से आइडिया आएंगे आपको. ठीक है? इसके बाद इसी में और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, मतलब ये तो एनर्जी चेक कर लेंगे, फंक्शन की भी होगा, बता भी देंगे, वो तो अलग बात है, प्रॉब्लम करना है सेकेंडरी, लेकिन पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग. ठीक है? फिर आप लोगों ने इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन पढ़ा होगा कि वन पार्ट इज गिवन है, सपोज रियल पार्ट u इज गिवन, हाउ टू फॉर्म fz है, और v इज गिवन, हाउ फॉर्म है, पढ़ा होगा ना. There are two method. एक तो individual का है, अगर u given है तो b आ जाएगा, है? Derivative, total derivative की मदद से, और by using Gaussian Riemann equation. और दूसरा million function method करके पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वो उससे हम उसका construction कर सकते हैं. ठीक है? इसी में जो part आता है वो real में भी कर हम लोग पढ़ते हैं और हमें complex में भी, क्योंकि कुछ टॉपिक है जैसे रियल में भी पढ़ेंगे तो कुछ टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कन्वर्जेंस. क्या? हाँ, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज. ठीक? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इफ सीरीज आर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, तो उस केस में हम लोग क्या बात करने लगते हैं, क्या यूनिफॉर्म पर. तो ये जो कंसेंसस है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज होते हैं. और जब भी मैथमेटिक्स में तो मतलब आप समझ लीजिए कन्वर्जेंस
बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी वैलिडिटी बताता है। कोई सीरीज है आपकी, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज है और वो है, तो उसके बारे में वो कन्वर्जेंस अगर है तभी उसके और बहुत से रिजल्ट आप गेन कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो बहुत बेसिक टॉपिक है और जहां भी पढ़ेंगे बहुत मैथमेटिक्स की बहुत सी ब्रांचेस में ये वर्ड आएगा आपका, ये कॉन्सेप्ट आपका आएगा। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा पावर सीरीज, जो भाई पढ़ा है ना। तो पावर सीरीज में फर्स्ट थिंग व्हाट इज पावर सीरीज एंड सेकेंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज क्या होता है, अभी टच नहीं रहा इसके अंदर, क्यों आप अभी टच नहीं था, पढ़ा नहीं था क्या सर? पढ़ा है बट अभी कल कभी टाइम हो चुका था, आपने काफी टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो हो जाता है, इसीलिए तो हम आपको ये बात कर रहे हैं, इसकी बात हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, हम लोग तो आगे से पढ़ना था, लेकिन इसीलिए था कि ये सब कम से कम सुन के रिकॉर्ड में कुछ तो चीजें हो जाएंगी ना उसमें। तो पावर सीरीज का मतलब मेन है उसमें टू फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, एंड रीजन आर वी कैन से सर्किट ऑफ कन्वर्जेंस, क्यों ये मेन उसमें है आपका। और एनी सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन ए जेड माइनस ए रेज टू पावर एन, where there an is constant may be real or complex, a b by a b complex or real, but the complex hi kahe jab complex kehte to real apne aap include ho jayega, kyun bhai every real number complex to wo to include hai, the a coefficient and point a this is, to aap iska formula bata denge, kya bata denge formula, ha एप्लीकेशन तभी कर पाएंगे जब आपको उसका स्टेटमेंट क्लियर होगा।
क्लोज कर दो सी। क्या कहा मैंने? क्लोज मतलब ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी हुई है और एक फंक्शन है जो इसके अंदर आपका क्या है एनालिटिक कैसा है विद इन एंड ऑन मतलब इसके सभी पॉइंट्स पर और बाउंड्री विद इन एंड ऑन तो देन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग दैट कर्व If FZ is analytic within and on closed curve C, okay? Then the integral along that curve is equal to zero. ये तो इसका भी बहुत यूज होता है और ये एक तो आपका ये सिंपल केस है लेकिन ये उसमें मल्टीपल कनेक्टेड रीजन में भी है अपना ठीक है ना तो वहां पे भी मतलब कम से कम ये स्टेटमेंट कुछ नहीं कम से कम ये स्टेटमेंट ठीक है ना वो हमें क्लियर होने चाहिए सेकेंड बहुत से रिजल्ट है सेकेंड रिजल्ट है आपका जो इंटीग्रल में बहुत यूज होता है और बहुत ही मतलब पॉपुलर है कॉची इंटीग्रल पर क्या है क्या है स्टेटमेंट कोई बताए स्टेटमेंट क्या है ठीक है ये रिजल्ट है जो आपको बताया रिजल्ट है स्टेटमेंट क्या है कुछ आइडिया है किसी को FZ is analytic within and on closed curve C and A is any point within C. A is एनी पॉइंट विद इन सी ए कोई पॉइंट कहीं पर उसमें सी के अंदर तो देन इंटीग्रल ऑफ फॉर्म एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू टू पाई आई टू एफ राइट एफ इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो बहुत से इंटीग्रल सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है इंटीग्रल उसमें बहुत से इंटीग्रल्स जो है हम लोग इसी की मदद से निकालते हैं ठीक है जैसे आपका सपोज करिए कि सिंपल फंक्शन लिखा है जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन डी जेड अलोंग सी है वेयर सी इज मॉड जेड इक्वल टू तो अब ये फंक्शन अगर आप टोटल ले लें एफ जेड है तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है इसमें इसमें वाई वन सिंगलर पॉइंट है वन उसका क्या है हाँ सिंगलर पॉइंट और ये तो बहुत वेल नोन बात है सभी लोग जानते हैं हमें जैसे आप लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ के आए हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सटेंशन हुआ है तो रेशनल फंक्शन के लिए यहां भी वही बात कि रेशनल फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट दोज पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर वेरीज डिनोमिनेटर बिकम जीरो तो डिनोमिनेटर जीरो कहां पे हो रहा है वन पर तो ये नहीं है तो पूरा फंक्शन तो नहीं हुआ लेकिन अगर हम एफ जेड इतना ले और इसको ए ले और इससे देखें तो ये तो पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल एवरीवेयर पेनल्टी तो ये तो इसमें पेनल्टी हो ही जाएगी और ये ए वन लिया तो वन इसके अंदर पॉइंट भी आ जाएगा तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी राइट टू पाई आई एफ ए एफ ए मीन्स वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर प्लस वन एंड जेड इक्वल टू वन क्यों क्या हो जाएगा हो गया सिंपल ऐसे पता कितना एप्लीकेशन इसके बाद इसका एक वो हायर डेरिवेटिव फॉर्मूला है क्या है कॉचीज हायर डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है स्टेटमेंट यही है देखिए स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगा जिसको
स्टेटमेंट याद रहेगा वही अप्लाई कर पाएगा। इसका स्टेटमेंट क्या था कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन इनसाइड सी देन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इक्वल टू 2πi। हायर में भी वही ठीक है कि फंक्शन इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी एंड ए इज एनी पॉइंट है विद इन सी देन क्या होता है आप लोगों ने इस फॉर्म में पढ़ा ही होगा एफ एन ए इक्वल टू एन फैक्टोरियल 2πi इंटीग्रल अलोंग सी ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू पावर एन प्लस ठीक है ना। सपोज कि इसी में अगर हम जैसे ये इंटीग्रल आपका पूछा और इसमें हम z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर भी z कर देता c वही तो अब इसमें ये फॉर्मूला है नहीं इस फॉर्मूले का ठीक है एप्लीकेशन आना चाहिए सभी को और क्योंकि सब हमें यूज करना होगा पता नहीं कौन सा टॉपिक लेके क्या हो लेकिन अभी फिलहाल तो पोस्ट वर्क के लिए तो है ही है लेकिन हम उसी व्यू में पढ़ेंगे क्योंकि हमें रिसर्च करनी है उसी उसमें वो बेसिक तो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि चूंकि पता नहीं होता है पढ़ रहे रियल यूज हो रहे कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे डिफरेंशियल इक्वेशन यूज हो रहा अलजेब्रा है तो इसलिए मतलब जो बेसिक अभी तक आप पढ़ के आए हैं और इंक्लूडिंग जो आपको अभी सिलेबस डिजाइन किया गया उसी को ध्यान में रखते हुए कि वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो जनरली फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं रिसर्च में। खैर तो ये और भी बहुत सी थ्योरम है जो इंटीग्रल को बहुत इजी बना देती हैं और इनका इंटीग्रल में यूज होता है, है? वो भी आपने सबने पढ़े होंगे लेकिन उससे पहले जब पावर सीरीज हम लोग पढ़ते हैं तो पावर सीरीज में दो स्पेशल सीरीज और है एक्सटेंशन टेलर सीरीज एंड लॉरेंट टेलर सीरीज एंड लॉरेंट ठीक है लॉरेंट एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कब वैलिड होता है किसी का लॉरेंट एक्सपेंशन किसी फंक्शन का क्या शर्त है दो डोमेन के बीच के दो डोमेन के बीच मतलब एनुलस बोलते हैं ठीक है एनुलस मीन्स रीजन बाउंडेड बाई टू क्लोज कर एनुलस मीन्स रीजन बाउंडेड बाई टू क्लोज कर ठीक है और हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए वो टू कंसेंट्रिक सर्किल्स ले लेते हैं क्या ले लेते हैं टू कंसेंट्रिक सर्किल्स ठीक है इजीनेस के लिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है टेलर्स में क्या बताया गया है क्या है उसका है टेलर में स्टेटमेंट बहुत जरूरी है केवल हम आपको व्यू दे रहे हैं वो आपको देखना है पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग What is the statement of Taylor's theorem? FZ is any analytic function. Suppose inside a circle centered at A, Z equal to A. And Z is any point. Z is any point inside C. Then fz अभी जो लिखा था वो टेलर ही था ठीक है fz equal to summation an z minus a raised to power z is any point तो this is called where an is an क्या है बेटे अभी जो आपने इससे डेरिवेटिव फार्मूले से निकाला क्यों yes, क्या होता है हाँ फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रल जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू पावर एन क्योंकि टेलर सीरीज तो सभी के माइंड में होगी सभी लोग जानते होंगे टेलर एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन अबाउट ए बी राइट एज जेड
डेफिशिएंसी मतलब इसको हम और अभी एनर्जी डेरिवेटिव फार्मूला बताया था तो उसी के अकॉर्डिंग दिस इज द एंड सो ऑन जनरल टर्म है तो दिस होल सीरीज कैन बी रिटन इन सबमिशन फॉर्म है कहां से लिख सकते हैं n इक्वल टू हां और ये आपका z माइनस a रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इनटू f n a लिख सकते हैं तो वही a n इसकी जगह पर यूज किया गया है और ये आपका रिजल्ट है लॉरेंट एक्सपेंशन का क्या है लॉरेंट एक्सपेंशन में केवल वही कंडीशन है कि फंक्शन इज एनालिटिक इन एनुलस एट z इज एनी पॉइंट है इनसाइड एनुलस देन एट z कैन बी रिटन एज समेशन an z माइनस a रेज टू पावर और ये आपका जीरो से n प्लस summation n equal to dn z minus a raised to power मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर्स एक्सपेंशन होता है किसमें होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर तो अगर कोई भी एक्सपेंशन किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लेक्स के केस में अगर वो एक्सपेंशन लिखा हुआ है और वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर्स में है इसमें इट विल बी लॉरेंट केवल नेगेटिव में भी लिखा है तब भी लॉरेंट केवल नेगेटिव में हो या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पावर्स में हो तो देन इट इज लॉरेंट और ये स्टडी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है क्यों क्योंकि ये जो पार्ट है इसका इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्या कहलाता है प्रिंसिपल और बहुत सी क्रिटिसिस को ये डिफाइन करता है एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल पार्ट क्या करता है सिंगुलरिटीज बताता है पहले क्या बताता है सिंगुलरिटीज सबसे पहले सिंगुलरिटीज बेसिक रिमूवेबल सिंगुलरिटी पोल्स एसेंशियल सिंगुलरिटी कौन कौन सी रिमूवेबल सिंगुलरिटी पोल्स एसेंशियल सिंगुलरिटी ठीक है ना क्या है इसमें कैसे डिफाइन करते हैं सपोज ए सिंगुलरिटी है एंड देन अगर कोई फंक्शन है तो किसी क्लोज कर्व में वो आपका एनालिटिक है और ए पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है ए उसकी सिंगुलरिटी है क्या है? तो इसको एक स्मॉल सर्किल से आप एक्सक्लूड कर दीजिए जो है तो जो बाकी रीजन बचेगा उसमें तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो ये तो फिर एनुलस का काम करेगा रीजन तो वी कैन एक्सपेंड बाय लॉरेंट एक्सपेंशन कर सकते हैं ना भाई यही तो कंडीशन है उसकी कि वो आपका एनुलस होना चाहिए जिसमें हमें एक्सपेंशन करना तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं और एक्सप्लेन करने के बाद फिर उसमें देखा जाएगा आपका तो मतलब ये ध्यान रखें आप उसमें अगर तो अब ये सिंगुलरिटी किस टाइप की है वो उसका प्रिंसिपल पार्ट से पता लग जाता है किससे पता लग जाता है प्रिंसिपल पार्ट कि अगर कोई सिंगुलरिटी है और उसका लॉरेंट एक्सपेंशन अगर उसी के अबाउट हम लिख रहे हैं ठीक है और उसमें निगेटिव पावर का कोई टर्म नहीं है किसका टर्म नहीं है तो देन इट विल बी रिमूवेबल कैसी सिंगुलरिटी होगी रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी ठीक है इफ प्रिंसिपल पार्ट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सपोज n तो देन इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर n एंड इफ प्रिंसिपल पार्ट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है नो टर्म फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एंड इनफाइनाइट नंबर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म देन इट इज एसेंशियल सिंगुलरिटी कैसी होगी एसेंशियल सिंगुलरिटी ठीक है ना और दूसरी भी कुछ डेफिनेशंस हैं एक तो प्रिंसिपल पार्ट से कर ही सकते हैं और दूसरी भी है तो ऐसे सपोज जो अभी हम लोगों ने कहा है उसके अकॉर्डिंग लिमिट के फॉर्म में मतलब डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं
ठीक है, z इक्वल टू a इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ f z इफ क्या है, लिमिट ऑफ f z z टेंड्स टू a इक्वल टू फाइ, मतलब एग्जिस्ट फाइनाइट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड, क्यों? अब देखने से तो क्लियर है कि जेड इक्वल टू जीरो सिंगुलरिटी, लेकिन या तो हम लिमिट का केस ले ऑन जेड इक्वल टू जीरो, तो अगर हम उस दोनों तरीके से बता सकते हैं, लॉग एंड एक्सपेंशन भी इसका बहुत इजी है, डायरेक्ट साइन थीटा का एक्सपेंशन सबको याद ही होगा, उससे एक्सपेंड कर देंगे तो उससे भी आ जाएगा वन अपॉन जेड एंड जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन थ्री प्लस जेड पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फोर और बी मल्टीप्लाइड बाई दिस, सो दैट वन माइनस जेड स्क्वायर अपॉन बोलिए एंड सो देयर नो एनी टर्म ऑफ विद नेगेटिव पावर है बेटा, तो दिस इज द रिमूवल से, और लिमिट भी लेंगे जब इसकी जेड टेंड्स टू जीरो, बट फाइनाइट एग्जिस्ट है, और पोल के लिए क्या है z इक्वल टू a इज ए पोल इफ लिमिट ऑफ एफ जेड एज z टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या आ जाए इन्फिनिटी, जैसे अभी जो हम लोगों ने फंक्शन अभी डिस्कस किया था एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड माइनस, सो देयर इज वन इज द पोल, वन इज द पोल, ठीक है ना, और बहुत से ऐसे फंक्शन और पोल है तो उसका ऑर्डर भी होगा, क्या होगा, तो लिमिट से भी कर सकते हैं एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, इसको भी बन के अबाउट एक्सपेक्ट, तो एक ही टर्म आएगा ये लॉर्ड, इसलिए ये वन ऑर्डर, वन ऑर्डर के पोल को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल, ठीक है, और एसेंशियल सिंगुलरिटी का क्या बताया था, इनफाइनाइट टर्म्स हो उसमें किया, लिमिट के केस में क्या होगा भाई, लिमिट के केस में क्या होगा, हाँ लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, f z z tends to a does not exist. For example, f z equal to e raised to power 1 upon z. z equal to 0 is its essential z equal to 0 is its दोनों से clear और होना चाहिए सर, चाहे definition से कर ले चाहे उससे extension से कर ले, e की पावर वन अपॉन जेड को एक्सपेक्ट तो कर ही लेंगे e की पावर x, तो इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे नेगेटिव पावर, ठीक है, और लिमिट से भी देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आएगी और राइट हैंड अलग आएगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो हो जाएगी मतलब वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, और राइट हैंड इंफिनिटी हो जाएगी मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये मतलब उसमें सिंगुलरिटी होगा, और पोल्स पोल्स के ऑर्डर, सिंपल पोल है तो आपका क्या होगा, हाँ अच्छा उसी में मतलब कॉम्प्लेक्स में वैसे तो सभी जगह होते हैं लेकिन रियल का हो फंक्शन चाहे कॉम्प्लेक्स का हो, जीरोस आप फंक्शन, क्या चीज है, हाँ जीरोस आप फंक्शन, तो जीरोस आप फंक्शन क्या होते हैं भाई, प्रिंसिपल किसमें, हाँ मतलब हम उसकी बात करते हैं जीरो जा फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन, हाँ बेयर फंक्शन वैनिस दैट इज बिकम जीरो है, जहाँ वो तो मतलब बेयर नॉन है, कोई उसमें खास बात नहीं, बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब मीनिंग जो हमारा वो ये है कि सपोज एफ जेड इज एनी फंक्शन एंड विच हैज ए जीरो ऑफ ऑर्डर एम विच हैज देन इट कैन बी एक्सप्रेस एज Similarly,
इफ एफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एन आर एम एफ जेड हैज देन इट कैन बी एक्सप्रेस एज जी जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू पावर जी जेड. तो मतलब ये थोड़ा कहीं जरूरत पड़ते हैं एक्सप्रेशन हमें, इसलिए आइडिया उसमें होना चाहिए. ठीक है, सिमिलरिटीज का बहुत रोल है. और जो पहली कैटेगरीज है वो आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिमिलरिटीज है. ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए क्योंकि एसेंशियल सिमिलरिटी दोनों टाइप की है. एसेंशियल सिमिलरिटी में भी आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग ने सिंगुलरिटीज के सवाल किए होंगे, सिंगुलरिटीज निकाली होगी किसी फंक्शन की और उसके अगर इनफाइनाइट जीरोस निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, तो हम उसका लिमिट पॉइंट भी निकालते हैं. और जो जीरोज का, देखिए है तो जीरोज, लेकिन जीरोज का अगर लिमिट पॉइंट जो होगा वो सिंगुलरिटी होगा, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी. तो मतलब जबकि कहे जीरो है, जीरो का उससे क्या मतलब, नो, लेकिन जीरोज का जो लिमिट पॉइंट आएगा विच विल बी ए एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी. सिमिलरली पोल्स अगर इनफाइनाइट बने, कोई सीक्वेंस बन रही है पोल्स की, ठीक है ना, तो उनका भी लिमिट पॉइंट भी जो है वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी. लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी. ठीक है, तो सिमिलरिटीज के बारे में और फंक्शन के भी जो उसकी सिमिलरिटीज बता सके इतना आप लोग पढ़े हैं, क्योंकि आपको रिवाइज करना है तो वो आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, और इसी में फिर उसका एक बड़ा चैप्टर है, टॉपिक है, और उसमें आना भी चाहिए क्योंकि रियल कॉम्प्लेक्स ही नहीं, बहुत से रियल इंटीग्रल्स जो रियल सेंस में यूजुअल वे में कॉम्प्लिकेटेड है रिलेशन का, वो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स की मदद से करते हैं. उसमें पर्टिकुलर यूज किसका होता है, रेजिडिव थ्योरम. किसका यूज होता है, कौसी रेजिडिव थ्योरम. तो रेजिडिव क्या होता है, जो है हाँ ये भी देखिए प्रिंसिपल पार्ट्स है कि अगर हम उसको जो लॉरेंट एक्सटेंशन लिखा था और उसमें हम लोगों ने ध्यान है आपको समेशन कहां से शुरू किया था, bn z माइनस a रेज टू पावर ए दिया था. तो इसमें जो b1 आएगा क्या आएगा, b1 b1 मतलब अगर a के अबाउट है तो 1 अपॉन z माइनस a का कोफिशिएंट, a 0 होगा तो 1 अपॉन z का कोफिशिएंट होगा. b1 इज कॉल्ड रेज टू, b1 इज कॉल्ड रेज टू. एंड देयर इज मैनी फार्मूला टू कैलकुलेट आर कंप्यूटेशनल टू कंप्यूट रेजिडिव. सिंपल रेजिडिव है तो मतलब पोल है तो रेजिडिव कैसे फाइंड करेंगे, है फार्मूला है उसका, तो वो आना चाहिए रेजिडिव. क्या आना चाहिए, हाँ रेजिडिव क्या है एट पोल और फिर उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई है, फंक्शन गिवन है और उसके पोल्स पर रेजिडिव बताना है, तो पहले तो हम उसके पोल्स फाइंड करेंगे है? और फिर उन पर रेजिडिव निकालेंगे. क्या निकालेंगे, रेजिडिव. ठीक है, इन्फिनिटी सिंगुलर नहीं है, सिंगुलरिटी नहीं है, फिर भी इन्फिनिटी पर रेजिडिव निकाला जाता है. किस पे निकाला जाता है, हाँ तो वो बाय डेफिनेशन इसका निगेटिव हो जाता है, इससे बी वन है तो वो माइनस, मतलब वैसे एंटी क्लॉक वाइज होता है उसमें क्लॉक वाइज इंटीग्रेशन करते हैं, ये उसके. खैर तो ये बहुत मतलब अच्छे ढंग से और रेजिडिव थ्योरम, क्योंकि कुछ तो इंटीग्रल पीछे मैंने बता दिए आपको, कॉचीज थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर डेरिवेटिव है, इनसे निकल आएंगे. और बाकी जो बहुत से ज्यादा है वो आपके रेजिडिव थ्योरम से, किससे है, कुछ स्टेटमेंट आ गया क्यों भाई, कुछ स्टेटमेंट का आइडिया, टू पाई आई समेशन ऑफ रेसिड्यूज के इक्वल आ जाता है, इंटीग्रेशन एफ जेड डी,
डिस्कशन और करना है। खैर सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सबके मजा तो तब आता है जब सबको उतनी बात समझ में आए और रहना भी चाहिए, मतलब ये मेरी तरफ से भी होना चाहिए, मतलब हर स्टूडेंट को समझ में आए हर कैंडिडेट को, तब मजा आएगा। खैर देखें आप लोग, इसलिए मैंने मेन को भी नहीं शुरू किया, इसीलिए थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया इसीलिए कि आप मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाए हमसे, इसलिए ठीक है ना। तो रेंजिंग थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कि इफ एब्जेक्ट इज एनालिटिक विद इन ए क्लोज कर्व सी एक्सेप्ट सम फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, then integral of fz along c equal to 2 pi I into sum of residues at the poles, कौन से poles, line within c, सभी pole नहीं, कौन से pole, line within c, ये बहुत important है, मतलब by residue theorem integral of fz along c equal to 2 pi I into sum of residues at the poles lying within c. Because
clear only those holes which light they see. Completely see के अंदर है, उन्हीं holes पर हम लोग बात करते हैं. खैर, तो इसको बहुत मतलब डिटेल में यूज है और पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, मतलब केवल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल ही नहीं, ठीक है, बहुत से रियल इंटीग्रल्स को भी हम एवलेट करते हैं. किससे? हाँ, इसको इंटीग्रेशन मेथड, मतलब कंटूर मेथड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? कंटूर मेथड भी कहते हैं. रेसिडुअल थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है. तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है आपका. और इसके बाद एक चैप्टर और आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसका हम लोगों को यूज भी करना है, मतलब आएगा बीच बीच में, कन्फॉर्मर मैपिंग. सुना कुछ याद है? सुना सब अगर अभी नहीं. अरे भाई कोई बात नहीं, तो सुनिए फिर ध्यान से. नहीं अगर अभी नहीं हो रहा है, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं वो लोग और ध्यान दें. कन्फॉर्मर मैपिंग से क्या मतलब है आप लोग बताएंगे? क्या ठीक है, कन्फॉर्मर मैपिंग क्लॉकवाइज है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज आपने देखा तो वो भी आप
और मैग्नीट्यूड मतलब 30 डिग्री का, तो वो भी 30 डिग्री, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड और उसके सेंस में किसके रोटेशन के दोनों में सेम है का, कौन सा एंगल बिटवीन C1 C2 एंड C1 डैश, देन सच काइंड ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज कन्फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। और केवल मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो रोटेशन में ना, तो एक वर्ड और यूज किया गया आइसोबोलर। क्या वर्ड यूज किया गया? आइसोबोलर, आइसोबोलर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो कोई भी अब उसको उससे एनर्जिक से कनेक्ट किया गया कन्फॉर्मल मैपिंग को, पहले तो वो कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है हमें जानना होगा, और फिर कन्फॉर्मल मैपिंग से उसको एनर्जिक फंक्शन से कनेक्ट किया गया, और वो उसके लिए कंडीशंस हो जाएगी कि कोई भी फंक्शन W इक्वल टू Fz अगर आपका एनालिटिक है, और साथ ही साथ में उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं इन द गिवन डोमेन, क्या डोमेन ऑफ डेफिनेशन, ठीक है, वो जीरो नहीं है तो फंक्शन कन्फॉर्म होगा, मैपिंग कन्फॉर्म, एनालिटिक है और क्या है डेरिवेटिव जीरो नहीं, तो वो मैपिंग कन्फॉर्म मैपिंग, ये मतलब उसको रिलेट किया गया एनालिटिक फंक्शन से, बेस एनालिटिक फंक्शन ही है, वहीं से सारी चीजें, जो भी फंक्शन एक्सपेंशन कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, वो सब उसकी किसी करेंसीज को देख के कर रहे हैं एनर्जी उसी करेंसीज को। तो ये इसका क्या मतलब है कन्फॉर्मल मैपिंग का, वो आपको समझना है, और किस टाइप की मैपिंग, तो वो सब एनर्जेटिक फंक्शन जिनके डेरिवेटिव अगर डोमेन में जीरो नहीं हो रहे हैं वो आपके कैसे होंगे कन्फॉर्म, ठीक है। फिर एक वर्ड और सुना होगा आप लोगों ने, कुछ पर्टिकुलर टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इसी में पढ़ा, इसी के साथ में जैसे ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, मैग्निफिकेशन है, ये सब पढ़ा होगा, और इसी में बहुत डिटेल में बताया जाता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ना है आप लोगों को, तो विशेष डायरेक्ट अभी इसमें नहीं है लेकिन पढ़ना, कन्फॉर्मल मैपिंग को अच्छे ढंग से पढ़ना, तो बहुत सी चीजें वहां से निकल के छोटी छोटी आएंगी जो आपको आगे यूज करनी पड़ेगी। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से फैमिलियर है आपको, किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है? चुप भाई, फंक्शन आर मैपिंग W इक्वल टू बाई मीन दो टू लीनियर, मतलब ये रेशियो, इसके नाम बहुत है, इसको बाई लीनियर भी कहा जाता है, उसके जिन्होंने इन्वेंट किया मैक्रोमोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, ठीक है, और फ्रैक्शन ऑफ लीनियर भी कहा जाता है, ठीक है, कई नाम है लेकिन मेन बाई ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इसमें लीनियर, ठीक है, और इसमें अगर AD माइनस BC डज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये नॉर्मलाइज्ड बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हो गया ये आपका, और इट इज कंपोजिशन ऑफ जितनी जो अभी हमने स्पेशल टाइप भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताया, कौन कौन से, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, इवन इन्वर्सन, इन सब का कंपोजिशन सब, ठीक है, सबके एसोसिएशन से बना हुआ है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। और इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है इसमें बाइलिनियर से, एक तो सबसे पहला तो यही है कि ये आपका क्रॉस रेशियो शब्द सुना होगा, फोर पॉइंट्स गिवन हो उनका क्रॉस रेशियो, ठीक है, तो क्रॉस रेशियो रिमेंस इनवेरिएंट अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कैसा होता है
इसके कुछ इनवेरिएंट पॉइंट्स होते हैं, इनवेरिएंट आर फिक्स पॉइंट में क्या कहते हैं, तो जेड इक्वल टू एफ जेड को सॉल्व करने से किसको आते हैं, जेड इक्वल टू, और जो वो पॉइंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी नॉर्मल फॉर्म्स लिखी जाती है, ठीक है, मतलब वन या टू होते हैं, ठीक है। अब उसमें कैटेगरीज हो जाएंगी कि अगर टू है तो दोनों फाइनाइट है, या एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, या एक ही है और एक ही है तो केवल फाइनाइट है या वो इनफाइनाइट है, तो उस केस में उसकी नॉर्मल फॉर्म क्या है, उस केस में उसकी, इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के, क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब ये और इसका डेरिवेटिव जहां पे जीरो, ठीक है, वो उसके क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो बहुत चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके नॉर्मल फॉर्म तक के लिखने के उसमें ये आपका उसमें दिया गया है, ठीक है। फिर आगे आपने कहां तक काफी बड़ा है होगा, चाहे वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में, कुछ और थ्योरम्स हैं जो बहुत ही मतलब वाइटल इंपॉर्टेंस है उनका, जैसे आपने रॉचीज थ्योरम पढ़ी है, और क्या था, आर्गुमेंट प्रिंसिपल है, और एक नंबर आप होल सेट जीरोस से रिलेटेड है थ्योरम्स, ठीक है ना, एन माइनस पी इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रल एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी एस है, ये इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ नंबर ऑफ जीरोज ओवर पोल्स है, एन माइनस पी, एन कैपिटल एन नंबर ऑफ जीरोज है, कैपिटल पी नंबर ऑफ पोल्स, और उसी से लॉसीज थ्योरम है, या कुछ लॉसीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई चीजें उससे मतलब एप्लीकेशन है उसका डायरेक्ट, किस फंक्शन के कितने जीरोज किस रीजन में लाई कर रहे हैं मैक्सिमम, तो वो हम लोग उससे पता कर लेते हैं रॉचीज थ्योरम से। उसमें यही बताया गया कि एफ जेड और जी जेड टू इनर्जी फंक्शन है, मॉड ऑफ जी जेड लेस देन मॉड ऑफ एफ जेड, ठीक है, तो एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड हैव द सेम नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। उसी में उसी के साथ में आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा क्या होती है, क्यों भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा कॉम्प्लेक्स में, मतलब रियल में भी है कॉम्प्लेक्स में, सबने पढ़ा होगा, देखिए बहुत सी जो मैथमेटिक्स की मेन मेन ब्रांचेज है उनकी सबकी अपनी फंडामेंटल थ्योरम सभी, वो डिफरेंशियल कैलकुलस हो चाहे इंटीग्रल कैलकुलस हो, चाहे फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस हो, एलजेब्रा हो, ठीक है, सभी की अपनी फंडामेंटल थ्योरम है। एलजेब्रा की क्या है, इसे सिंपल है, मान लीजिए कोई अगर आपका क्वाड्रेटिक है फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन कैसा है, क्वाड्रेटिक मतलब समझिए टू डिग्री का, तो उसके कितने जीरोस होंगे, तो क्यूबिक है तो यही है फंडामेंटल, कि एफ जेड इज ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन, देन इट हैज एन जीरोस, कितने जीरोस, एन जीरोस, ठीक, सभी की पढ़ी है, जानते सब हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, बाय नेम डिफरेंशियल कैलकुलस की कौन बताएगा, फंडामेंटल थ्योरम क्यों, थोड़ा वैसे बैठो यार, थक गए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, चलिए कोई बात नहीं, जानते हैं सब लोग, इफ एफ एक्स इज ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन, ठीक है, देन इट्स एनथ डेरिवेटिव विल बी कॉन्स्टेंट एंड नेक्स्ट विल बी जीरो, ये उसमें फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस में पढ़ा है, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा होगा ना, उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस, कि अगर एन डिग्री
है ना, तो nth ऑर्डर का डिफरेंस कांस्टेंट होगा और n प्लस 1 ऑर्डर का जीरो हो जाएगा सभी, मतलब मेन मेन ब्रांचेस सभी। तो खैर वो भी कॉम्प्लेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स में भी फंडामेंटल थ्योरम पहले चल रहा है और उसका भी मतलब यूज है, और वहां जहां पे ऐसा लिखना चाहते हैं वहीं पे हम लोग रेफरेंस डाल देते हैं वही फंडामेंटल थ्योरम। तो इसलिए वो होती क्या वो आपको मालूम होना चाहिए, रॉची थ्योरम का रेफरेंस लेना है तो रॉची थ्योरम होती क्या वो आपको मालूम होना चाहिए जिसका रेफरेंस आप लेंगे। और अभी जो ये पढ़ेंगे इनमें सब रेफरेंस है, जो मैं बोल रहा हूँ जितने सब मतलब थ्योरम वगैरह और भी बहुत सी विस्ट्रॉस थ्योरम है, बहुत सी थ्योरम है जो अभी हम लोगों ने अभी जल्दी में डिस्कस नहीं कर पाए हैं, वो भी थ्योरम्स है और उनके रेफरेंसेस यूज किए गए हैं। स्वार्ज लीमा है, बहुत से मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कॉसीज इनक्वालिटीज है, ये सब रिजल्ट सबका यूज आएगा। तो अगर वो आपको पहले से मालूम होगा तो बस आप समझ जाएंगे, और नहीं तो वही रुक जाएंगे, मतलब फिर आगे बढ़ने में मजा नहीं है। और वो अगर पीछे से क्लियर है तो ठीक है, मैंने बोला या बुक में लिखा मिला पेपर में लिखा मिला आपने ठीक ग्रेप्स कर लिया समझ लिया हाँ ड्यू टू दिस आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो चूंकि अगर उसको आप कंसाइड नहीं कर पाए वहां पर मैचिंग नहीं कर पाए जो रेफरेंस तो वहां पे दिक्कत, इसलिए ये थोड़ा सा एक बार जरूर देख लें मेन मेन, बहुत डिटेल में नहीं जाना है लेकिन मेन मेन इसका व्हाट इज दिस एंड हाउ टू अप्लाई, दो चीजों पर थोड़ा ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा पढ़ लेते। तो ये फिर एक चैप्टर और है आपका जो आप लोग सबने पढ़ा होगा, एनालिटिक कंटिन्यूएशन है, क्यों भाई क्या पढ़ा है? ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, वो मैं बात कर रहा हूं उसी की बात कर रहा हूं। क्या होता क्यों भाई मतलब दिस इज कंटिन्यूशन का मतलब है डोमेन को एक्सटेंड करता है, किसको करता है डोमेन को एक्सटेंड करता है कि अगर fz कोई फंक्शन है वो d1 में एनालिटिक है और d2 में भी एनालिटिक, d2 में क्या है और अगर थोड़ा भी पोर्शन उनका कॉमन है तो वो फंक्शन भी d1 यूनियन d2 में एनालिटिक इसमें होता है। और मतलब वो तो यहां तक आ गए कि अगर बाउंड्री टच करे बाउंड्री तो वो कंटिन्यूशन हो जाए, क्या हो जाए हाँ खैर ऊपर वाले इंटरसेक्शन होगा नहीं यूनियन होगा इंटरसेक्शन होगा नहीं, इंटरसेक्शन तो दिख रहा है मतलब ये कॉमन पार्ट है कॉमन होना चाहिए सब, फिर एनर्जी तो पूरे हो तो पूरे मतलब यूनियन नहीं, वो जो आपको दिख रहा है ये इंटरसेक्शन ये थ्रो दिस रीजन वो एक्सटेंड कर जाएगा ठीक है कंटिन्यूशन मतलब और बढ़ जाएगा, तो वो आपका मेन है ठीक है ना। और तो ये तो इतना तो आप देख ही देख रहे हैं और इसके बाद फिर हमारा ये जो वहां से हम लोग अभी भी करा सकते हैं लेकिन अब इतना पहले करेंगे ठीक है। वैसे मेरा था कि आज हम एक टॉपिक नए का लेके चलेंगे लेकिन चूंकि अभी टच नहीं है उतना तो मजा नहीं है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। और क्लासेस दो मतलब हर हफ्ते लगभग नए टीचर होते रहते और बस जो भी होगा वो हो सकता है अगर जैसे हमारी सेक्रेटरी से बात होती रहेगी मैथमेटिक्स वालों से तो पहले से मेरे नाम मतलब तय हो गया तो आपको भी बता दिया जाए कि भाई अगले वीक रियल के साथ रियल आते ठीक है। तो मैं कुछ ऐसी कोशिश करूंगा मैथमेटिक्स का कि जो टीचर का थोड़ा फ्री ना हो नहीं तो उससे आप लोग तो वो समय का यूज हो जाएगा पढ़ा आधा आया समझ आधा नहीं आया और फिर आप गए फिर आपने पढ़ा जब तक वो निकल गया तो फिर वो मजा नहीं आया कोशिश करें लेकिन पहले अगर इसके बारे में पता चल जाए कोशिश कोशिश जरूर कर स्टडी करके पढ़ लिया
क्योंकि हमें उनका शेड्यूल तय करना पड़ेगा फैकल्टी का, क्योंकि हर टॉपिक अलग अलग फैकल्टी दी है, ठीक है, रियल किसी के पास है, कॉम्प्लेक्स किसी के पास है, और ऑपरेशन रिसर्च किसी के पास है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसी अलग 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 पक्ष, तो उनको हमें थोड़ा सा टाइम लेना होगा, और उनके टाइम लेने के बाद ठीक है जैसे जैसे तय होता रहेगा, कोशिश यही होगी कि हम पहले से तय करें, ठीक है ना, तीन दिन का वैसे ही पास है, तीन डेट थ्री है आपके, तो वो थ्री डेज में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे थ्रू व्हाट्सएप, क्यों, ठीक है ना, ओके थैंक यू, हाँ भाई।